आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट। सीटेट 2019 का जो ये प्रैक्टिस सेट हम उसमें कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र समस्या समाधान कौशल प्राप्त करें तो उसे छात्रों को उन गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जिनमें शामिल है डॉट डॉट करके लिखा है, जिनमें डॉट डॉट शामिल है, जिनमें क्या शामिल है ये आपको बताना है ऑप्शन में पढ़ के। तो पहला ऑप्शन है पूछताछ, तर्क और निर्णय लेना। दूसरा है बहुविकल्पी प्रश्नों वाले संरचित कार्यपत्रक। तीसरा है दोहरान, याद करना और समझना। चौथा है अभ्यास और कार्य। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है जिसमें शिक्षक शामिल हो के छात्र की समस्या समाधान कौशल को प्राप्त कर सकता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है पहला, पूछताछ और तर्क और निर्णय लेना, ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो लिखा है प्रगतिशील शिक्षा, मतलब पूछा प्रगतिशील शिक्षा क्या है ये आपको हमें बताना है। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं पहला वाला, इस विश्वास की प्रगतिशील शिक्षा इस विश्वास की पुष्टि करता है कि शिक्षक को अपने दृष्टिकोण में दृढ़ होना चाहिए और आज की दुनिया में बच्चों को दंड का उपयोग किए बिना सिखाया नहीं जा सकता। आपको पता ये पूरे के पूरे तरह गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समस्या समाधान और आलोचनात्मक बिंदु पर अधिक बल दें, ये करेक्ट है प्रगतिशील शिक्षा के लिए, ये सही है। तीसरा देखते हैं अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित, ये गलत है। और चौथा भी गलत है, पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्योंकि वे ज्ञान का एकमात्र वह स्रोत है, ये पूरी तरह से गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो बी पार्ट सही है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देना चाहिए, यही प्रगतिशील शिक्षा है। और दोस्तों हम आपको बता दें प्रगतिशील शिक्षा जो है वो जॉन डीवी द्वारा दिया गया था, यह एक शिक्षा प्रणाली है। प्रगतिशील शिक्षा वो किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डीवी द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डॉट डॉट में अध्ययन करना चाहिए, जो RTI 2009 है वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डॉट डॉट मतलब मैं अध्ययन करना चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करें, ये दिया है पहला ऑप्शन। और आपके सामने दूसरा ऑप्शन है घर पर अपने माता पिता और आवश्यक सहायता प्रदान करने वाले अभिभावकों के साथ रहना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए विशेष स्कूलों में उनको रहना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। तो इसमें इन सब में आपका जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो ऑप्शन सही है चौथा, उनके लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, RTI 2009 यही कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है स्कूल परिसर में बच्चे का समाजीकरण निम्न तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन जो है उनमें क्या है, देखिए बच्चे स्कूल में रहने के दौरान समाज की मान्यताओं और मूल्यों को परंपराओं को अपनाते हैं, ये करेक्ट है एकदम सही है। दूसरा देखते हैं बच्चा अपने शिक्षकों के आचरण को आत्मसात करता है और स्कूल परिसर में संस्कृत और विभिन्न पहलुओं को सीखता है, ये भी करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही हो गए। बच्चे खेल के माध्यम से साथियों के साथ सामाजिक होते हैं, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरयुक्त सभी ऑप्शन सही है। दोस्तों हम आपको बता दें दोस्तों कि विद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर विभिन्न वर्गों के बच्चे आते हैं और विभिन्न वर्ग के शिक्षक भी आते हैं और विभिन्न लोगों से मिलने के कारण बच्चों में सामाजिक विकास अच्छे से हो पाता है, वो सामाजिक विकास को वो अच्छे से सीख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन पर प्रभाव प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन हम लोगों के सामने हैं। शिक्षक एक छात्र का आकलन दूसरों की तुलना उसके प्रदर्शन के आधार पर करता है। और देखिए शिक्षक की सोच पर ध्यान केंद्रित के अलावा छात्रों की वैचारिक समझ का आकलन करता है। और शिक्षक छात्रों का आकलन उनकी उत्तरों की तुलना मानक प्रतिक्रियाओं के साथ करता है। चौथा जो ऑप्शन है वो शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी के आधार पर छात्रों का आकलन करता है। तो इन चारों में से दोस्तों कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो देखते हैं हम पहले क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम के आकलन पर प्रकाश डालता है। अधिगम के आकलन पर कौन सा प्रकाश डालता है? तो दोस्तों अधिगम के आकलन पर प्रकाश डालता है ये वाला बी पार्ट, यानी कि शिक्षक की सोच की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की वैचारिक समझ का आकलन करता है, ये वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है किसी बालक में संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका कौन सा है? ठीक है, पहला ऑप्शन उनकी मुख मुद्रा, दूसरा आत्मनिरीक्षण, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया और उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही है दोस्तों वो सही है उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, जो संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में पूछा है लेव वाइगोत्स्की ने के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य कारण क्या होगा? कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य कारण क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है दंड आज्ञाकारिता और सामाजिक अन्योन क्रिया, और तीसरा ऑप्शन है अन्योन क्रिया, और चौथा ऑप्शन है संतुलन। तो इन चारों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इन चारों में से जो सही है वो है सामाजिक अन्योन क्रिया। सामाजिक अन्योन क्रिया दोस्तों, सामाजिक अन्योन क्रिया द्वारा बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं और विभिन्न प्रकार के ज्ञान, बच्चे जब एक दूसरे से जुड़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान का संग्रह करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है सामाजिक अन्योन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आठवां। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है? पूछा है सहस्वावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है तीव्र शारीरिक विकास और मानसिक विकास का तीव्रतम होना, दूसरों पर निर्भर न अति तक ज्ञान। तो दोस्तों आप देख रहे हैं पूछा सहस्वावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये वाला पहला वाला विशेषता है, दूसरा वाला भी विशेषता है, विकास तीव्र होता है, मानसिक विकास भी तीव्र होता है, दूसरों पर निर्भर ये भी, तीसरा वाला भी विशेषता है, चौथा वाला जो है नैतिक का ज्ञान ये विशेषता नहीं है सहस्वावस्था। तो यही ऑप्शन सही होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नैतिकता का ज्ञान उन्हें नहीं होता, ये सहस्वावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, आ जाइए सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MDM से क्या तात्पर्य है? MDM से क्या तात्पर्य है, ये किससे रिलेटेड है? मास्टर डेटा मैनेजमेंट, मोबाइल डेटा मैनेजमेंट, मिड डे मील या मेडिकल डिसीजन मेकिंग? तो इसमें आपको पता होगा ये है मिड डे मील। मिड डे मील से तात्पर्य क्या होता है? यह स्कूलों में भारत सरकार द्वारा संचालित भोजन कार्यक्रम का योजना है। किसका कार्यक्रम है? योजना है किसका कार्यक्रम? भोजन कार्यक्रम योजना, यानी कि बच्चों को भोजन दिया जाता है स्कूलों में। मिड डे मील इसमें सही, MDM का जो तात्पर्य है वो है मिड डे मील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट वाला दोस्तों। इसमें लिखा है एक कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? तो एक कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है ये आप लोग बताएंगे। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी में अनुशासन बनाए रखना, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी की फीस वसूल करना, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है कक्षा में विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रखना, कक्षा में विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रखना। चौथा ऑप्शन है कक्षा के सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना। तो इसमें ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है? विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, यही ऑप्शन सही है। एक कक्षा शिक्षा जो अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी होती है वो विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन, सीटेट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे आपको दिखाएं, आपको बताएं हैं।
और हम ऐसे क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे, ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और आपका प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे। और दोस्तों तो प्लीज़ ये जो चैनल है मेरा मल्टी कैन स्टेशन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरे जो सारे अपडेट्स हैं, सारे जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उसको आप देखें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।